तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो दोस्तों, आज हम एक नई जगह आए हैं और आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर के, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग विद आशीष। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, और जो सब्सक्राइब किए हैं वो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम नई जगह कहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि यह प्रयागराज पुस्तक मेला है, यह 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। आज 16 दिसंबर है, इसलिए हम पहले ही दिन आ गए हैं। आज ही उद्घाटन है इसका, और यह 11 बजे दोपहर से रात को 9 बजे तक चालू रहेगा। तो यहाँ पर आकर के आप पुस्तक वगैरह खरीद सकते हैं। और इसका जो लोकेशन है, जैसा कि मैं दिखाया पहले ही, यह सिविल लाइन बस स्टैंड के जस्ट पीछे है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं। इसका जो है एंट्री फीस 1 रुपये नहीं है, यहाँ पर एंट्री फीस नहीं लगेगा, तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप राष्ट्रीय शिल्प मेला गए होंगे, अगर वहाँ पे गए होंगे तो आपको वहाँ पर 10 रुपये का एंट्री फीस लगता था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए यह मेला लगाया गया है। तो आप लोग ज़रूर आए और यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करें, कम से कम विज़िट कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप विज़िट करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लेंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ के सारे स्टॉल दिखाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बने रहिए और देख। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिविल लाइन बस स्टैंड के जस्ट पीछे एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के फील्ड में लगा हुआ है मेला, तो आप लोग ज़रूर आएँ। यहाँ पर हमको मिले हैं प्रयागराज बुक वाले, जो कि इनका लगभग 1972 से चल रहा है बुक का दुकान, ये सब है। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं और बताते हैं यहाँ पर कौन कौन सा बुक मिल सकता है। तो ये भैया जी हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपति यादव है, अमर चित्रकथा पब्लिशर से हूँ। मेरे पास जो बुक्स है अवेलेबल, वो धार्मिक कथाएँ और पौराणिक कथाएँ सप्लाई की जाती है, और हमारा ये एग्जीबिशन में आज का पहला दिन है। आज तो पहला दिन है ही, आज 16 से 25 तारीख तक ये ओपन रहेगा, तो आप आकर के यहाँ पर आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा और कौन सी बुक यहाँ पर? तो भैया जी से पूछते हैं जो आप सामने वहाँ पे बैठे हैं। फ्रेंड्स, एंग्लो बंगाली स्कूल में पुस्तक मेला लगा हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पे हर तरीके की बुक आकर ले सकते हैं। दिल्ली से कुछ लोग आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, वाराणसी से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं और बुक लगाए हुए हैं। जिन लोगों को किसी भी तरीके की बुक चाहिए, वो बुक आकर यहाँ ले सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर भैया लोगों ने मुझसे बात की, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर दरअसल ये लोग उतना फ्री नहीं है कि हमसे ज़्यादा बात कर सकें, तो अब चलते हैं आगे आपको दिखाते हुए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर टॉयज़ भी मिल रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो लोग आकर के यहाँ पर टॉयज़ भी ले सकते हैं, उनके पेरेंट्स आकर के दिलवा सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य स्टेट से लोग आए हुए हैं बुक सेल करने के लिए, और अलग अलग पब्लिकेशन के,
तो यहाँ पर अगर प्रयागराज पुस्तक मेला न लिख करके राष्ट्रीय पुस्तक मेला लिखते तो एक अलग ही बात थी। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आकर के आप अपने मनपसंद बुक्स ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप रूम पर बैठे बैठे हर बुक नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ पर आएंगे तो वह भी बुक पा जाएंगे, वह भी बुक आपको मिल जाएगा जिस बुक को आप ढूंढ रहे हैं कई दिनों से। तो यहाँ पर बहुत से बुक मिल जाएंगे आपको। चलते हैं यहाँ पर दिखाते हुए चारों तरफ। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ब्लड डोनेट का भी कैंप लगा हुआ है शायद, तो चलते हैं यहाँ से बात करते हैं कि क्या बात है। तो फ्रेंड जैसा कि मैं यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ब्लड कैंप भी लगा हुआ है। तो हालांकि यहाँ पे बैनर वैनर लगा है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो सब दिखे नहीं कि जहाँ पर ब्लड आपको डोनेट करने के लिए भेजा जाए। तो इनसे पूछते हैं कि क्या माजरा है और किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है ब्लड डोनेट के लिए। सब पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप नहीं, ब्लड डोनेशन डोनेट करने के लिए जागरूक करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूकता कैंप लगाया गया है, जो कि हमारा स्टॉल है। स्टॉल का नाम है रक्त संकल्प, ठीक है। हमारे जो ऑनर हैं रवि सर, उनके थ्रू ये महान कार्य किया जा रहा है, लोगों को ब्लड डोनेट करके 3 से 4 लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए और ब्लड की जो महामारी है उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम कैंप चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप जो रक्त संकल्प का QR देख रहे हैं, जब इसे स्कैन करेंगे तो इनका एक पेज खुलेगा, तो आप उस पेज को पढ़ेंगे, उसमें रक्त संकल्प करके एक पैरा लिखा गया है, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनका कैंपियन क्या है और ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सारी सुविधा हो गई है, तो आप लोग आ सकते हैं। अभी लगभग 8 दिन यहाँ पे चलेगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं सिर्फ मेला का वीडियो अपलोड किया था, आप लोग बहुत प्यार दिए थे। यह पुस्तक मेला है, उम्मीद है आप लोग बहुत प्यार देंगे और शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे। ऐसे करते हैं वीडियो का अंत। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या लाइव में, तब तक के लिए राधे राधे।